कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने कहा कि एसआईटी को मुनिरत्न की जांच करने की पूरी आजादी है। कोप्पल, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने रविवार को यहां कहा कि भाजपा विधायक मुनिरत्न की गिरफ्तारी में सरकार किसी भी तरह से शामिल नहीं है। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, यह उनका मामला है, उन्हें जो कुछ भी झेलना पड़ रहा है वह उनकी गलती के कारण है। विधायकों के अनुरोध के बाद विशेष जांच दल का गठन किया गया था। सीएम ने कहा कि मुनिरत्न को बलात्कार और हनी ट्रैपिंग के तीन मामलों में कानून के अनुसार गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी बीके सिंह एसआईटी का नेतृत्व कर रहे हैं, जिसका गठन विधायक के खिलाफ मामलों की जांच के लिए किया गया था। उन्होंने कहा, सरकार किसी के खिलाफ नहीं है और यह स्पष्ट है कि हम किसी को निशाना नहीं बना रहे हैं या नफरत की राजनीति नहीं कर रहे हैं। विधायक के खिलाफ तीन एफआईआर दर्ज की गई हैं और अब कानूनी कार्रवाई करने का समय आ गया है। पुलिस और एसआईटी को मामलों की जांच करने की पूरी आजादी दी गई है। उन्होंने दावा किया कि अर्कावती की अधिसूचना रद्द करने की रिपोर्ट राजभवन से लीक हुई थी और कहा कि राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने मामले पर रिपोर्ट मांगी है। उन्होंने कहा, राज्यपाल का पत्र मिलते ही मैं अगले कदम पर चर्चा करूंगा।